हेलो गाइस, ऐसा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सबके प्यार की वजह से हम सभी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह का वक्त है, आज बनाएंगे रोटी और आलू का भुंजिया। और इधर मैंने दाल चढ़ा दिया था। रोटी और आलू का भुंजिया किसको किसको पसंद है? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और बाहर कड़ा धूप है तो ये रूम मैंने साफ कर लिया था पहले, बेटा को पढ़ने बैठाएंगे इसी वजह से रूम साफ करके उसका बुक का टेबल उबल सब कुछ साफ करके रेडी कर दिया। लीजा का तबीयत फिर से ख़राब है, थोड़ा उल्टी हो रहा। इधर मेरा काम वाली मेड आ चुका है, वो कपड़ा और बर्तन कर रही है। और इधर पूजा भी घर में स्टार्ट हो चुका है। मेरा ससुर जी पूजा का नहा के पूजा का बर्तन उतर धो रहे हैं। और इधर मैं नाश्ता का तैयारी कर रही हूँ। नाश्ता में बनाऊंगी आलू का भुंजिया और रोटी। मेरा घर में आलू का भुंजिया रोटी बहुत, मतलब मेरे हस्बैंड को नहीं पसंद है पर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हस्बैंड नाश्ता लेके निकल चुके हैं ऑफिस, वो आज छत्तू फीके गए और उधर बोला कि नाश्ता करेंगे, तो इसी वजह से मैं हम लोग के लिए बना रहे हैं, हम मेरे ससुर जी और आज ससुर जी रोटी खाएंगे और मेरा काम वाली। तब तक आ गए सब्जी वाला भैया, तो देखते क्या क्या सब्जी लेते हैं भैया के पास। इनका सब्जी जो है ये गांव से लाते हैं, बहुत ही ताज़ा सब्जी रहता है। सब्जी में बहुत कुछ था, लौकी था, भिंडी था, झींगा था, करेला था, बरबटी था और केवड़ा था। तो मुझे जो जो कुछ लेना था, मुझे बरबटी लेना था। आज बरबटी का एक मज़ेदार रेसिपी बनाएंगे इसी वजह से। तो मैं सब्जी ले लेती हूँ पहले, और सब्जी लेने के बाद मैं चला आया नाश्ता करने के लिए। नाश्ता में मैं ली थी रोटी और भुंजिया, और ये सब्जी आज मेरा था। कुछ मैं पैकेटिंग करके रख दूंगी और जो जो बनाना है उसको अलग से रखेंगे। तो इधर सब्जी में जो कुछ बनाऊंगी उसको निकाल लेते हैं, जो नहीं बनाएंगे उसको फिर प्लास्टिक पेपर रेप करके रख देंगे। तो सब्जी बहुत सारा है, झींगा है आपका, बरबटी है, कुंदरी है, करेला है और आपका कद्दू है, पटल है, क्या बनाए सोच रहे हैं, भिंडी है। तो जो सब्जी बनाएंगे उसको रखेंगे, बाकी सब पेपर रैप, मैं प्लास्टिक रैप करके रख देती हूँ। इस तरह से सब सब्जी को मैंने एक एक प्लास्टिक में बांध दिया और सबको मैं आप फ्रीज में रख दूंगी। तो नीचे वाला फ्रिज मेरा बोल रहे थे ना डबल डोर वाला, थोड़ा कम ठंडा हो रहा। और ये अदरक को भी मैंने प्लास्टिक बांध दिया था, और ये लौकी तो प्लास्टिक में नहीं ही होगा। तो आज बनाएंगे, मैं सोच रही हूँ, पटल का सब्जी। और ये दो गाजर था, इसको भी मैंने रख दिया। और जो बनाएंगे उसको निकाल लिया था। तो अभी हम ऊपर आ चुके हैं, तो ऊपर वाला सिंगल डोर वाला फ्रिज में मैं रखूंगी सब्जी। ये ठंडा ठीक हो रहा है, लेकिन नीचे वाला मेरा जो फ्रिज है पता नहीं क्यों ठंडा ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो बाकी सब्जी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और ऐसे करके सब्जी रखने से क्या होता है ना, 4-5 दिन आपका सब्जी खराब नहीं होता है, पहला बात। और दूसरा बात क्या होता है, ये मतलब जो चीज़ का आपको ज़रूरत है बहुत ढूंढना नहीं पड़ता, एक ही जगह रहता है इसी वजह से। तो मेरा सब्जी मैंने सब कुछ रख दिया, और रख देने के बाद ऊपर का ये वाला चादर भी मैंने आज चेंज कर दिया था। तो इसको लेके मैं अब चला जाऊंगा नीचे, क्योंकि आज मैं सोच रही हूँ पटल का एक मज़ेदार रेसिपी बनाते हैं, पटल का दोरमा। तो मैंने सोचा पटल का दोरमा बनाएंगे, तो इस टाइप का आलू और पटल मैंने काट लिया था। और इसके लिए नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, चीनी, टक दुई और प्याज और अदरक का पेस्ट, टमाटर का पेस्ट का जरूरत है। तो मैंने सारा कुछ रेडी कर लिया था। और इस बीच में बता दी तो आप सबको, मैं नहा धो के पूजा पाठ भी कर लिया था, तो मेरा आधा से ज़्यादा काम हो चुका था। नाश्ता भी हो चुका था, दाल भी बन चुका था। तो अभी क्या क्या बनाएंगे वो सोच रहे हैं, क्योंकि एक सब्जी तो हम लोग का बनता नहीं। जो मेरा रेगुलर ब्लॉग देखते हैं सबको तो पता है 2-3 सब्जी बनाना पड़ता है। तो 2-3 सब्जी के लिए मैं पहले ये वाला सोच रही हूँ, अभी बाकी देखते आगे क्या बनाते हैं। तो पटल का दोरमा बनाने के लिए मैंने पटल और आलू को अच्छे से बढ़िया से काट के धो धा के नमक हल्दी लगा के छोड़ दिया था। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी और आलू को डाल दूंगी। आलू को एकदम लाल लाल फ्राई करके उठा लेना है। और ये रेसिपी बहुत ही लाजवाब होता है, एक बार जरूर आप लोग ट्राई कीजिएगा। और गल्प वालो श्रोति जो मेरा चैनल है, जो कोई भी जाके सब्सक्राइब किए हैं बहुत कोई, थैंक यू सो मच। आज फिर मैं इसमें उसका लिंक दे दूंगी, आप लोग जो जो नहीं किए जाके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और पटल आलू को मैं लाल लाल करके एकदम फ्राई करके उठा के रख लूँगी, और फिर मैं डालूँगी पटल को। तो देख सकते आलू कितना अच्छा फ्राई हो चुका है, कितना अच्छा फ्राई हो चुका है। अब मैं जो है इधर पटल को लाल लाल करके फ्राई कर लूँगी, पटल को भी मैं लाल लाल फ्राई करके उठा के रख लूंगी।
और एक बात आप लोग को बता देते हैं, जो कोई मेरा ये वाला चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया, देख के मजे ही सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मैंने कढ़ाई में ले लिया था तेल और गोटा जीरा, और जो प्याज और अदरक का पेस्ट दे दिया था, फिर मैंने टमाटर का पेस्ट दे दिया था। और इसका फुल रेसिपी आपको देखने के लिए फेसबुक पेज अमर रान्नाघर में जाके फॉलो करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा रेसिपी और भी है। तो अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो जाइए मेरा फेसबुक पेज अमर रान्नाघर जाके फॉलो कर दीजिए, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो इधर मेरा लाल लाल हो चुका है, कलर देख सकते हैं। इसमें मैंने टमाटर का पेस्ट और थोड़ा सा मिर्च पाउडर डाल दिया था। अब जो दही है उसको मैंने बहुत अच्छे से चम्मच से फेंट लिया था, अब मैं दही डाल दूंगी। तो ये पटल का दोरमा जो है बंगाली में बहुत चलता है इसको, और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, बहुत ही ज़्यादा लाजवाब लगता है। तो ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा, और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट कीजिएगा। और एक बात बता देते हैं, सबका खाना बनाने का स्टाइल अलग होता है, मैं अलग तरीके से बनाती हूँ, पता नहीं और कोई अलग तरीके से बनाते होंगे। तो सबका साथ हमको कंपेयर मत कीजिएगा, आप अपना स्टाइल से बनाइए, हम अपना स्टाइल से बनाते हैं। तो इसको ट्राई करके एक बार देखिएगा जरूर, बहुत ही टेस्टी बना। अगर आपको देखने में इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो सोचिए खाने में कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो एक बार ट्राई करना, ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करना ना भूलिएगा, एक बार जरूर ट्राई कर दीजिएगा। ये देखने में जितना लाजवाब है खाने में उतना ही ज़्यादा बना था। तो थोड़ा सा मैं पानी दूंगी, इसमें ज़्यादा पानी देना नहीं है, खाली आलू को बॉईल करने के लिए मैंने एकदम हल्का सा पानी दिया। तो फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका फाइनल लुक कितना सुंदर हुआ था। तो आप देख सकते कितना लाजवाब बना था, ये फटाफट बन जाता है, ज़्यादा मसाला भी नहीं लगता, लेकिन खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। तो ये था आज का लंच, रेडी हो चुका। मैं लंच में क्या क्या बनाया दिखाती हूँ। तो ये जो मैंने बोला पटल का दोरमा, ये बनाया था मैंने, करेला आलू का चोखा बनाया था, और क्या बनाया था मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ कि मैं आज लंच क्या बनाया। तो ये जो सब्जी है ये इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, सब कोई बोल रहा था। तो ये मेरा करेला आलू का चोखा था, दही था, दाल था, और पटल का सब्जी था, और करेला आलू का चोखा भी मैंने बनाया था, और पटल का बैंगन का भुंजिया था। तो ये बैंगन का भुंजिया है, गरम गरम बाद बन चुका है। तो आज का लंच मेनू बस इतना ही है। तो आप लोग को मेरा लंच मेनू कैसा लगा बताइएगा जरूर। किचन गंदा है, किचन को फटाफट से करेंगे साफ, फिर मेरा बाकी का काम करेंगे। तो किचन हो चुका था मेरा साफ, और मुझे खाना बनाने के बाद और ज़्यादा गर्मी लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा गर्मी था आज, परेशान हो चुके थे। फिर इधर मैंने ठंडा पानी बाल्टी में लगा दिया था, क्योंकि फिर मुझे नहाना है ठंडा पानी से। तो मैंने इधर बाल्टी में, ये वाला जो डायरेक्ट पानी होता है बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। इधर बेटा का पढ़ाई अभी तक चल रहा है, अभी 1:30 बज रहा था शायद, 1:30 या 2, तो अभी तक मेरा बेटा का पढ़ाई चल रहा था, लिखा कम्प्लीट नहीं हुआ था। फिर खाना पीना खाने के बाद शाम का मौसम देख सकते, बहुत ही सुहाना मौसम बन चुका था, इतना ज़्यादा तूफान आया था, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत ज़्यादा गर्मी का बाद अगर ऐसे मौसम बन जाए तो सचमुच दिल को एकदम सुकून मिल जाता है। हम लोग छत पे एंजॉय कर रहे थे, हवा का बहुत ही तेज हवा चल रहा था, और बारिश भी बहुत हुआ, बहुत अच्छा लग रहा था। आप देख सकते हैं, आपको भी मैंने थोड़ा सा दिखा दिया मौसम का नज़ारा, और इस टाइप का मौसम बनता है तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, आप देख सकते हैं। तो फिर हम लोग खाना पीना खाने के बाद सो गए थे, और जैसे ही अचानक से बहुत ज़्यादा तूफान आने लगा तो हम लोग छत पे चल गए थे, थोड़ा सा वीडियो भी बनाए, और अच्छा भी लग रहा था मौसम, क्योंकि आज दिन भर का जो गर्मी था बहुत ज़्यादा, बहुत और बेहद ख़राब हाल था। तो फिर मैंने सांझ को आ गया था पूजा रूम में, तो आज बृहस्पति था, बृहस्पति को हम लोग को कथा पढ़ना होता है, तो शाम को मैंने पूजा पाठ करने के बाद कथा पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। बृहस्पति का था हम लोग का, ये हर बृहस्पति को पढ़ना पड़ता है। तो ये जब कंप्लीट हो चुका था, इधर मैंने बेटा को बैठा दिया था पढ़ाने के लिए शाम को, क्योंकि उसको नहीं बैठाएंगे तो वो नहीं पढ़ाई कंप्लीट करेगा। तो सुबह मेरा थोड़ा सा आटा बच गया था देख सकते हैं, तो इसी आटा का मैं रोटी बना लूँगी, और ये आटा का रोटी में हम लोग सबका हो जाएगा। चारों तरफ थोड़ा अंधेरा लग रहा है क्योंकि लाइन कटा हुआ था क्योंकि तूफान का वजह से। तो फिर मैंने लाइट ऑन किया किचन का, और इधर दूध आ चुका था, दूध गर्म चढ़ा देंगे। रोज़ तो मैं इंडक्शन में करती हूँ, तो आप लोग को पता है लाइन चला गया, मैंने पहले ही बताया, तो यहीं पे ब्लॉक करती हूँ।